subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. कुछ हेल्प कर दूं आपकी? ईमान, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? डॉक्टर ने आराम करने कहा है ना तुम्हें? अब खफा होके जा रहे हैं ना मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर आपका मूड क्यों ऑफ है? ईमान, तुम्हारी वजह से सारा प्लान खराब हो गया। सोचा था साथ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अगर तुम एहतियात कर लेती। एनीवे, मेरे पीछे से यहाँ किसी को परेशान मत करो। आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, उस पे ऐसी नाराजगी, वो भी ऐसी बात पे जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। सारी तकलीफ भी मैंने बर्दाश्त की और सब बातें भी मुझे सुनने को मिली। अगर मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि यहाँ किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सबको मेरी गलती दिखाई दे। ईमान, मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा, मैं समझा रहा हूँ। समझ गई? अगर समझ गई होती तो इस तरह रो रही होती? इमाम, मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ और तुम रो रही हो मेरे सामने। मैं भी तो यहाँ पर इतने दिन तक अकेली रहूंगी ना, लेकिन आपको क्या, ये तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सच नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और वक्त के साथ साथ ये अहमियत और बढ़ेगी। हमारे बेबी के बाद तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। तुम्हें मनाने के चक्कर में तो मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी, अभी तक मैंने सामान भी पैक नहीं किया। तो मैं करवा देती हूँ ना? नहीं, तुम्हें काम करो, तुम बैठो, मैं सिलेक्ट करता हूँ। बैठो, मैं सामान निकाल के लाता हूँ, तुम सिलेक्ट करो।